नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कल क्या ट्रेड लेकर चल सकते हैं फ्राइडे के दिन, और स्टॉक्स हम कौन से पर्टिकुलर सेलेक्ट करें कल इंट्राडे के लिए। सबसे पहले मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, 15 मिनट्स की कैंडल ओपन है। अब आप देख सकते हैं, खुद आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी अभी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये एक हायर साइड की रेंज है और ये एक लोअर साइड की रेंज है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब ये रेंज में अगर आपको बताऊं तो 21,900 की है अपर साइड और 21,400 की है लोअर साइड पे। अब बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी अभी इन 500 पॉइंट्स के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, तो अभी बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। बैंक निफ्टी जब तक इसके ऊपर मूवमेंट नहीं करती है या फिर इसके नीचे नहीं जाती है, तब तक हम लोग बैंक निफ्टी पे ट्रेड नहीं करेंगे। प्लस निफ्टी भी साइडवेज है, सो बैंक निफ्टी और निफ्टी पे अभी कोई ट्रेड नहीं होगा। मैं आपको निफ्टी का भी अभी आपको दिखा देता हूँ, और बैंक निफ्टी का मैंने आप लोगों को बता दिया है, जब होगा तब आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी बैंक निफ्टी से आप थोड़ा बहुत दूर रहिएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी का, ये देख पा रहे हैं निफ्टी अभी इस रेंज के अंदर अटक गई है, ये देख पा रहे हैं। अब बैंक निफ्टी ये देख सकते हैं, ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो 11,100 एंड 11,250 की रेंज है। अब जिसके ऊपर ये क्लोजिंग देगी तो हम लोग एक बाय पोजीशन बना सकते हैं, या फिर इसके नीचे जाना शुरू करती है तो हम लोग एक सेल पोजीशन बना सकते हैं। बट अभी इसके अंदर हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, और अभी शायद मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज और जा सकता है, तो अभी सिर्फ स्टॉक्स स्पेसिफिक रहिए और स्टॉक्स पर ही ट्रेड करिएगा। सो कल इंट्राडे में कौन से स्टॉक्स पर ट्रेड करना है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहला आता है REC LTD, डेली चार्ट में इसका ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अब मैंने यहाँ पर डेली चार्ट ओपन करा हुआ है। अब REC पे आप देख सकते हैं कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप पैटर्न है, और इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ, हमने यूट्यूब पे सिखा चुका हूँ कि ये किस तरीके का दिखता है। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने टॉप्स को मिलाया, जब मैंने सारे टॉप्स को कनेक्ट करा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ एक ब्रेकआउट आया। दूसरी बात, जब मुझे पता चला कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट है, क्यों, क्योंकि ये एक रेंज थी, इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद एक बार रीटेस्ट करा, और सेकंड टाइम आया रीटेस्ट करा और एक ब्रेकआउट दे चुका है दोबारा। अब इस लेवल पे ब्रेकआउट दे चुका है तो इसके जो टारगेट्स बनते हैं अगर हम एक हफ्ते के लिए भी होल्ड करते हैं तो 115 से लेके 120 तक के बनते हैं इसके टारगेट्स। बट इंट्राडे पे भी मुझे लगता है कि कल ये 109 रुपये से लेके 110 रुपये तक के टारगेट्स दिखा सकता है। सो कल इसके जो भी लेवल्स होंगे, जो भी टारगेट्स होंगे, आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दिए जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ आए तो नेक्स्ट स्टॉक आता है अमर राजा बैटरी। अब अमर राजा बैटरी पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, या यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रांग मूवमेंट आई, स्ट्रांग मूवमेंट आने के बाद नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। दूसरी बात, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्यों, क्योंकि यहीं पर इसका ब्रेकआउट आया था, ये देख पा रहे हैं। ये लेवल पहले रेजिस्टेंस का काम करता था, जब ऊपर ब्रेक करा फिर जब नीचे आया तो अब सपोर्ट का काम कर रहा है। दो टाइम टेस्ट कर चुका है, दो टाइम टेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट दे चुका है, जैसा कि अभी आपको REC में देखने को मिला था, दो टाइम टेस्ट करा उसके बाद ब्रेकआउट आ गया। यहाँ पर भी ब्रेकआउट आ चुका है, 720 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आ चुका है। यहाँ पर भी हमने अपने क्लाइंट्स को होल्डिंग की पोजीशन यहाँ पर दे रखी है स्विंग ट्रेड के लिए, तो आप लोग भी यहाँ पर बाय पोजीशन कल बना सकते हैं। परफेक्ट एंट्री लेवल और टारगेट या स्टॉप लॉस आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है गाइस। गाइस अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ मुझे ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को स्विंग ट्रेड्स प्रोवाइड करवाऊँ तो जो मेरी पर्सनल होल्डिंग्स हैं जो मैं ले रहा हूँ अभी, तो गाइज वो सारी होल्डिंग्स मैं अपने ट्विटर हैंडल पे अपलोड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आज REC ले रखा है, और मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट बाय करवा रखा है, और मैंने खुद ले रखा है, तो वो सारी मैं अपने स्विंग ट्रेड्स ट्विटर हैंडल पे डाल देता हूँ। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को ट्विटर हैंडल का भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है गाइज, नेक्स्ट स्टॉक आता है ICICI बैंक। ICICI बैंक पे भी आप देख सकते हैं कि एक चैनल के अंदर ही काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपर राइजिंग चैनल ये है और बॉटम चैनल ये है, और अभी एक रेंज के अंदर काम कर रहा है, तो यहाँ पर इसने मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। टेस्ट करने के बाद जब मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी तो मुझे पता चला यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया था, मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर प्रोवाइड भी करवाया था। अब उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये एक इसने वी शेप रिकवरी दी है,
ये एक स्ट्रॉन्ग गिरावट है, उसके बाद एक वी शेप रिकवरी आए। इस वी शेप रिकवरी के ऊपर जैसी निकलता है जो कि 360 का लेवल है, हम एक अच्छी खासी बाइंग इसके अंदर भी देख सकते हैं, तो कल हम इसको भी वॉच करके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है NMDC। अब NMDC पे भी आप देख सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों को स्टॉक्स रिकमेंड कर चुका हूँ। एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई, एक ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर चला गया। अगर मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ तो इसे हम पीनेंट पैटर्न भी बोलते हैं, जो मैंने आप लोगों को अपने वेबिनार के थ्रू सिखाया था। इसका ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद हम क्या देख रहे थे, उसके बाद दोबारा एक रेंज के अंदर चला गया। दोबारा रेंज के अंदर जाने के बाद आज के दिन इसका ब्रेकआउट आ चुका है, तो कल भी हम लोग इसे ट्रेड करके चल सकते हैं। और ये जैसे ही इस हाई के ऊपर निकलता है, जैसे ही 88 के ऊपर निकलना शुरू करता है, तो एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। मुझे लगता है 90 प्लस लेवल्स भी ये कल दिखा सकता है, सो कल हम इसको भी वॉच करके चल सकते हैं। लास्ट स्टॉक आता है गाइस TVS मोटर। अब TVS मोटर्स पे क्या चल रहा है, मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। या अब आप इधर देख सकते हैं कि एक अपर राइजिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, अपर राइजिंग चैनल के अंदर है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक इसने एक चैनल दोबारा बनाया, चैनल बनाने के बाद आज के दिन ब्रेकआउट आ गया। तो ब्रेकआउट आने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट आता है वो अपर राइजिंग चैनल का टॉप आता है, जो कि अराउंड 440 के आसपास बैठता है। बट हम लोग इसे अभी भी ट्रेड पोजीशन में लेकर चल सकते हैं, तो कल के जो टारगेट्स होंगे 420 अबव हम लोग बाय बना सकते हैं, या फिर अगर कल ये डिप देता है 410 के आसपास तो भी हम लोग इसमें एक कल बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो एंट्री और टारगेट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड हो जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइनिंग का लिंक है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। प्लस हमें ट्विटर पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप स्विंग ट्रेड्स चाहते हैं। ठीक है गाइस, तो हम इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा। अगर 500 लाइक्स हो जाते हैं इस वीडियो पे तो मैं आप लोगों को यूट्यूब पे ही डायरेक्टली प्रोवाइड कराऊंगा स्विंग ट्रेड्स, और अगर जब तक नहीं होते तब तक आप ट्विटर से अपना बेनिफिट ले सकते हैं। ओके गाइस, तो अगर आप लोग न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो पे। साइनिंग ऑफ।